लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के लगभग दो हफ्ते बाद मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है और अब इसे लेकर शिवसेना यूबीडी नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है। तो वहीं पार्टी सांसद संजय राउत ने भी इस सीट से विजयी घोषित किए गए शिंदे गुट के सांसद रविन्द्र वायकर को लेकर बड़ी मांग कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। चुनाव नतीजों में हेरफेर को लेकर विपक्ष का गुस्सा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर बीजेपी समेत चुनाव आयोग भी है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 48 वोटों से जीत की बात हजम नहीं होती, ईवीएम से गड़बड़ी की गई है वरना नतीजा अलग होता। उन्होंने दावा किया कि उनका प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर इस सीट से चुनाव जीत रहा था लेकिन बेईमानी कर ली गई। आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि अगर ईवीएम नहीं होती तो भाजपा 40 सीटें भी नहीं जीत पाती। तो वहीं चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इजिली कॉम्प्रोमाइज्ड है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। तो वहीं पार्टी सांसद संजय राउत ने भी मामले में बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने मांग की है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान गोरेगांव के एक मतगणना केंद्र पर रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर उनकी 48 वोटों से जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोबाइल के जरिए ईवीएम हैक किया गया था, जिसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट समेत बीजेपी बुरी तरह से घिर गए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।